हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं एक बॉटनेक बनाने वाले हैं। बॉटनेक में एक पेच वर्क लगा करके एक डिजाइन सेट करने वाले हैं जो आप फ्रंट नेक किसी भी सूट में बना सकते हैं और इसे ब्लाउज में भी बॉटनेक के साथ आप बना सकते हैं, ब्लाउज में भी आप इसे बना सकते हैं। थोड़ा सा चंद मिनटों का वीडियो है, आप पूरा वॉच करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर मैं यह मेरा प्रयास आपको वीडियो के लास्ट तक अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर से दबाइएगा। उससे क्या है कि हमारे वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच जाएगी। तो देखते हैं और सीखते हैं। फ्रंट नेक बनाने के लिए सबसे पहले बता दूँ, ये मेरा कुर्ता है और ये पाइपिंग का कपड़ा है और ये एक वेलवेट की लेस है, पट्टी बॉर्डर है, इसका मैं यूज़ करके बनाने वाले हैं। तो इसे कैसे बनाते हैं, इसका नेक कटिंग कर लेते हैं पहले। ये बॉट नेक में बनाने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले तो मैंने पेपर फ्यूजिंग का यूज़ किया है, मैंने इस तरह से इसे फोल्ड किया है। ये अपना जो है फोल्ड हिस्सा 6x12 इंच है और अपनी जो लंबाई है इसकी 9 इंच मैंने लिया है एक टुकड़ा, ठीक है। अब इसे बॉट नेक कटिंग करेंगे तो बॉट नेक के लिए 4.5 इंच पहला निशान लगाएंगे और डीप आप जितना चाहते हैं उतना ले लें। तो मैं इसे 3.5 इंच पे निशान लगा रहा हूँ, ठीक है। ये निशान लग गया और इस पर सीधा लाइन खींच लेते हैं इस तरह से, या तो आप इस तरह से मिला लें, इसे बॉट नेक का शेप दे दें, या आपके पास कुछ टूल्स हो स्टिचिंग के वहाँ से भी आप इस पर जो है निशान लगा सकते हैं इस तरह से। तो इनको मिलाकर भी आप निशान लगा सकते हैं इस तरह से। तो पहला काम तो ये है, आप इसे पेपर पे भी कटिंग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अपना जो बॉट नेक है सही कटिंग हुआ कि नहीं हुआ, फिर उसको पेपर फ्यूजिंग पे रख पे कटिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ऐसे ही सेम सीधा कटिंग किया है। तो ये मेरा बॉट नेक है, ये आराम से बढ़िया कटिंग हो गया, काफ़ी ब्रॉड है और ठीक ठाक मैंने इसे रखा है। तो ये तो हो गया अपना एक नॉर्मली बॉट नेक। अब 1 इंची का इस पर गैप करेंगे, यहाँ पर 1 इंची का इसके ऊपर गैप कर लेंगे यहाँ से इस तरह से। ये 1 इंची का 1 इंच का गैप कर लेंगे इस तरह से इस पर। और इस पर अब मेरे को करीबन जो स्क्वायर में कट करना है तो मैं यहाँ से इसमें इस तरह से कट करूँगा बराबर बराबर पार्ट में, और यहाँ से ये सेंटर का रखूँगा, यहाँ से 2-2 इंच के गैप पे मैं कट लगाऊँगा इसमें। तो 2-2 इंच के आप निशान लगा लें तो ये बराबर रहेंगे, आपके जो निशान वगैरह हैं बिल्कुल बराबर रहेंगे। तो पहला कट इस तरह से लगाते हैं, इस 1 इंच के नीचे ही लगाएंगे क्योंकि ऊपर पाइपिंग लगेगी और फिर उस पर इस तरह से मैंने ये कट मार लिया है। ये स्क्वायर में चौकोर में चाहिए अपने को, ठीक है। ऐसे ही करके अपने को आगे वाला कट लगाना है, तो आगे वाला यहाँ पर है तो इसे यहाँ से पकड़ेंगे और ये इसका हिस्सा मिल जाता है तो यहाँ से, और जितनी दूरी अपने को फिक्स है, अगर आपका छोटा बड़ा इधर उधर हो जाए तो आप सिलाई जब लगाएंगे उसको बराबर कर सकते हैं उस टाइम पर एकदम स्क्वायर में, ठीक है। ये भी अपना कटिंग हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है तो ये स्टिच में सही हो जाएगा। तीसरा ऐसे कर लें, इसको भी ये बराबर से यहाँ से लगा लें, जितनी चौड़ाई पहले की रखी है उतनी ले लें और इसकी भी ऐसे निकाल दें इसको, ठीक है। ये भी लग जाएगा। एक लास्ट वाला है जो ये भी निशान लगा लें इस तरह से, तो ये तो अपने हो गए चौरस एक के बाद एक जो निशान है। इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है जो मैं स्टिच लगाऊंगा वहाँ पर आपको बताऊंगा इनको बराबर रखने का तरीका, या फिर एक छोटा चौरस निशान ले लें और उसको मार्किंग के हिसाब से आप कटिंग कर लें। बाकी का जो है इसका एक्स्ट्रा जो बुकरम का कपड़ा है इसको यहाँ से काट लेते हैं यहाँ से इसे, ठीक है। एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको थोड़ा सा बड़ा रखे इस तरह से काट लेंगे तो अपना जो इस तरह से हो जाएंगे, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे इस तरह से, जो भी इनमें कमियां हैं वो स्टिच में बिल्कुल बराबर से कर लेंगे। तो पहला काम तो ये हो गया बॉट नेक कटिंग करने का। अब इसे आयरन से इसके ऊपर चिपका लेंगे तो जो एक आसानी हो जाएगी नेक बनाने में, यहाँ पर इसे
आयरन से चिपका लेंगे। ये वाला हिस्सा एक तरफ चिपकने वाला है और एक हिस्सा प्लेन है, तो इसे बी सेंटर रखेंगे यहाँ पर और ऊपर शोल्डर से मिला लेंगे बिल्कुल बराबर से। तो इसे मैं यहाँ से आयरन से चिपका लेता हूँ, ठीक है, बाकी का काम मशीन पे करते हैं। ऐसे अपन ने इसको आयरन से चिपका लिया है, आयरन से बढ़िया प्रेस गर्म करके चिपका लिया है और ये रॉन्ग साइड में चिपका है, उल्टी साइड में अपने को पेपर फिशिंग चिपकाना है, ठीक है, ये काम हो गया। अब इसमें क्या करना है, ऐसे टुकड़े लेने हैं, अब इसके इतने तेरे अपने को चार पाँच जितने भी ये पीसेस हैं कट हैं उतने टुकड़े काट लेने हैं और उनको काट के साइड में रख लेने हैं, ठीक है, इस तरह से। अब एक पीस लेना है अपने को, सबसे पहले उसी तरह से सारे पीस अपने काम करेंगे, ठीक है। अब मेन पीस जो है वहाँ इसके बी सेंटर में यहाँ पे अटैच करते हैं, इसको बी सेंटर में यहाँ पे रखते हैं, इसको बी सेंटर में रख के इसके अब सिलाई लगाएंगे इस पर। अब ये जो सिलाई लगेगी बिल्कुल फिनिशिंग वाली लगाएंगे इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ बिल्कुल बराबर से लगाएंगे। मशीन की सिलाई जो है बारीक रखें और बिल्कुल बारीक से रखें, जो भी आप ये गैप बनाएं वो बिल्कुल फिक्स रखें, जितनी आपकी चौड़ाई रखें, एक इंची का, आधा इंची का, आधा इंची का स्क्वायर में ठीक रहेगा। तो इस तरह से ये लगा लें इसको, ठीक है, ये मैंने सिलाई लगा दी है इस पर और इसको काटना है, ठीक है। अब इस पर कट का लगा लेना है इस तरह से और इस पर ऐसे पेपर फिशिंग तक अपने को गुटके लगाने हैं इस पर, जहाँ तक अपने सिलाई लगाई है वहाँ तक ऐसे गुटके लगाने हैं इस पर, चार गुटके लगाने हैं ऐसे, ये चार गुटके अपने बिल्कुल सिलाई तक लगाएंगे तो ही अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसे कुटका लग गया, ऐसे ही करके आप चारों तरफ सभी पे एक एक पे पहले लगा लें और फिर एक कुटके लगा कर इस तरह से इस मार्जिन को अंदर की साइड से जहाँ पेपर फिशिंग अपन ने चिपकाई है उस साइड ले आना है, उस साइड निकाल लेना है इस तरह से, ठीक है, और इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ से ऐसे नाखून की सहायता से सूती मार लें और इनको अच्छे से पकड़ के ऐसे सेट कर लें, ठीक है। तो ये मेरा एक पहला हो गया है, इनका जो गैप है बिल्कुल बराबर चौरस में रखें तो अच्छा रहेगा, ऐसे ही ये भी हो गया, इसको भी उल्टा करके देखते हैं, इस पर अच्छे से नाखून की सूती लगा लें। ऐसे ही करके अपने को जो बाकी बचे हैं सेम ऐसे ही करके सिलाई लगाने हैं। इस तरह से मैंने सारे जो इसके स्क्वायर हैं वो मैंने बना लिए हैं, ये देखिए बिल्कुल आराम से, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इसमें जो एक्स्ट्रा बॉट नेक का जो कपड़ा बचा हुआ है ये, इसको भी इसके बराबर कटिंग कर लेते हैं। तो ये आप पहले भी कटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है, ये कटिंग हो गया। अब इसमें जो रेड कलर का कपड़ा है उसी की पाइपिंग लगाएंगे, तो पाइपिंग भी पहले लगा लेते हैं। इसके लिए सिंगल बूट का यूज़ किया है मैंने, सिंगल फुट है और उसी से मैंने ये पाइपिंग बनाई है और उसी से मैं पाइपिंग इसे लगाने वाला हूँ। तो इस तरह से इसको रखेंगे और नॉर्मली जो दबाव है उतना दबाव लेके और बराबर मार्जिन लेके इसमें
इस तरह से अपनी जो है पाइपिंग लग गई और इसे जो है अंदर की साइड में इस तरह से इसको पक्का भी कर लेंगे। तो इस तरह से अपना एक बॉटनेक डिजाइन बन चुकी है। आप चाहें तो ये डिजाइन अलग से रख सकते हैं, इस पर एक नोकी सिलाई रख के भी आप इसे ऐसे के ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसे और क्रिएटिव बनाना चाह रहा हूँ, तो इसमें जो मेरे वेलवेट की लेस है ये वाली, तो इसके जो टुकड़े हैं इतने छोटे छोटे मैं टुकड़े पीसेस कटिंग करूँगा इसके बराबर से, जितने ये टुकड़े हैं वहाँ पर इसे अटैच करने वाला हूँ। तो अटैच करने के लिए ये देखिए, इसको मैं बी सेंटर में रखता हूँ और इसका जो शाइनिंग वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रखूँगा और इस पर लगाऊँगा इस तरह से, और यहाँ पर रख के इसको सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। ये थोड़ा वेलवेट है, इधर उधर फिसल भी सकता है, तो इसे थोड़ा हिसाब से ही लगाएं। इस तरह से मेरा पहला पेच इसमें लग गया है। ठीक है, ये देखें, ये एक इसमें अलग ही लुक आएगा। ऐसे ही करके अपना जो है दूसरा पेच लगा लेते हैं इसमें। और एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये जैसे ही बन जाते हैं उनको आप आयरन से इनको अच्छे से सेट कर लें, प्रेस से दबा करके अच्छे से सेट कर लें, तो ये इधर उधर हिलेंगे नहीं आपके, बाकी फिक्स रहेंगे। तो ये दूसरा भी लगा लेते हैं यहाँ से। ऐसे करके ये दूसरा भी अपना लग चुका है। ठीक है, ऐसे ही करके अपने जो बाकी बच रहे हैं उनमें भी सेम ऐसे ही अपने को लगाना है और एक अलग ही लुक जो है पा सकते हैं। इस तरह से अपना जो है एक बेहतरीन नेक डिजाइन सेट हो जाएगा। आप इसे ब्लाउज में, बैक में भी बना सकते हैं, फ्रंट में तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं, और ब्लाउज में भी आप चाहें तो बॉट नेक अगर बना रहे हैं तो उसमें ब्लाउज में भी इसे आप सेट कर सकते हैं और अलग से जो डिजाइन है वो दिख सकती है। तो इसे मैं फाइनल करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से अपना जो एक, तो इस तरह से अपना एक फ्रंट नेक डिजाइन बन के तैयार है। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल पे आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल से नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, धन्यवाद।